मेरे हाथ में ये जो फ़ोन है ये है वीवो T2 Pro, 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। और आजकल मार्केट में कई सारे ऐसे फ़ोन आ गए हैं जो कि 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आ गए हैं। बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई जब 3D ये जो कर्व्ड होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कर्व्ड यहाँ से होता है, तो यहाँ पर जब हम लोग टेम्पर डलवाने के लिए बात करते हैं, टेम्पर्ड की आज बात करेंगे कि कई सारे मार्केट में अवेलेबल है, जिसको यूवी ग्लास भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लू वाला प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, और एक आता है स्क्रीन गार्ड या मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इन सब में से बेटर कौन सा होता है और हमें इसमें लगवाना कौन सा रहेगा जब हम फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे केवल 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के बारे में, जिसमें भी फ्लैट डिस्प्ले ना होकर के 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले होगी, और उसमें कौन सा बेटर रहेगा वो पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। बट उससे पहले जो पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप हमें यहाँ पर देख पाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करिए भाई, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते ना लाइक करते हैं। अगर वीडियो कुछ काम की लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करके हम लोग को मोटिवेट किया करिए। और सर्दियाँ आ गई हैं जैसा कि, तो आप लोग जो है कपड़े वगैरह को थोड़ा सा ध्यान रखिए। सुबह और शाम के टाइम में थोड़ी सी ठंड रहती है, बीच के टाइम में हल्का सा चेंज हो रहा है। आप लोग बताइएगा वहाँ पर, जहाँ जहाँ से भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं आप, वहाँ पर मौसम कैसा है? ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले में कौन सा टेम्पर्ड लगवाना चाहिए। देखिए मार्केट में क्या है कि यूवी ग्लू टेम्पर्ड भी आ गए हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको यूवी ग्लू डाल दिया जाता है, और यूवी ग्लू डालने के बाद ऊपर से यूवी रेज जो दिखाई जाती है, ब्लू कलर की लाइट होती होगी, आपने कई सारी वीडियोज़ में भी ऑलरेडी देखा होगा, उससे होता क्या है कि ये आराम से मतलब यहाँ पर कर्व डिस्प्ले पर चिपक जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स ये भी होती हैं कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो स्पीकर होता है, ठीक है, कई जगह पर स्पीकर भी जाने के चांसेस होते हैं। अगर ग्लू हल्का सा भी स्पीकर या माइक में चला गया तो फिर आपका जो फ़ोन है वो प्रॉब्लम करेगा। दूसरी क्या चीज़ आती है यूवी ग्लू में कि जब हम लोग इसको ज़्यादा टाइम तक इसको हम लगा के रख नहीं सकते हैं, ठीक है, आपको हर 3-4 महीने में एक तो इसको चेंज भी करना पड़ेगा। नहीं चेंज करते हैं तो देखा होगा आपने कई सारे यूट्यूबर्स या वीडियो में ऑलरेडी कि वो जब स्क्रीन को मतलब यहाँ से कर्व टेम्पर्ड कह लें, टेम्पर्ड ही की बात करूँ, तो टेम्पर्ड जब उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ तक कि वो स्क्रीन भी बाहर आ जाती। तो अब इसके बाद फिर आता है यहाँ पर नॉर्मल ग्लू वाला टेम्पर्ड, तो वो मार्केट में अभी हर फ़ोन का मिलना, जैसे कि मैंने भी पता किया, तो नॉर्मल ग्लू वाले टेम्पर्ड में होता है क्या, जैसे वो पील करते हैं पीछे से ग्लास को, ठीक है, पील करने के बाद डायरेक्ट रख देते हैं और यूँ इस तरीके से कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर चिपक जाता है, बट वो भी अभी सक्सेस नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आती है मेम्ब्रेन जो कि कंपनी से ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, देख सकते हैं पतली सी लेयर लगी रहती है बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ पर हल्की हल्की सी मेरे में बबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डस्ट वगैरह हल्के पार्टिकल चले आते हैं। तो अब लगवाएं कौन सा, बात आती है कि हमें फिर लगवाना कौन सा चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को अपने और वीवो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से जो बात हुई है उसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, उसको सुनिए और उसके बाद फिर मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। तो पहले उनकी जो है बातचीत को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कंक्लूजन क्या है इसका, ठीक है। तो देखते हैं उनकी बातचीत। मेरी बात वीवो कस्टमर केयर से हो रही है? सर जी जी बताएं सर। मेरी एक क्वेरी है, मैंने वीवो T2 प्रो मॉडल परचेज किया है जो कि 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। तो इसमें क्वेरी सर ये है कि हमें जो टेम्पर्ड लगवाना है, वैसे तो मेम्ब्रेन लग करके आती है, कंपनी देती है, अगर मैं टेम्पर्ड लगवाना चाहता हूँ तो यूवी ग्लास जो टेम्पर्ड आता है उसमें क्या ये लगवाने पे वारंटी जो है लॉस हो जाती है या क्या रहती है, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। कनेक्शन पर पूरी जानकारी दी जाएगी, माफी जी। चाहूंगा जो आपको असुविधा हो रही है। आगे बढ़ने से पहले जान सकता हूँ मेरी बात मिस्टर आशीष जी से हो रही है? जी आशीष बोल रहा हूँ। कन्फर्म करने के लिए धन्यवाद जी। वारंटी पॉलिसी जो होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको दी गई है डेट ऑफ परचेज से 1 साल की वारंटी होती है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का फिजिकल या लिक्विड डैमेज को कंसिडर नहीं किया जाता। अच्छा, तो जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो यूवी ग्लास वाले टेम्पर्ड है तो इसमें क्या करना, हम लोग लगाएंगे इस पे या नहीं लगाएंगे, क्या करना रहे? आप सब यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ ध्यान रखें उसमें किसी प्रकार से लिक्विड जो होता है या लिक्विड यूज की जाती है उसकी वजह से कोई अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर वो इफेक्ट मान लीजिए स्पीकर में अगर हल्का सा भी चला गया तो वारंटी लॉस हो जाएगी हमारी? जी, इसमें लिक्विड डैमेज कंसिडर किया जाता तो है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर हमारी यूवी ना लगवाए तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा जिससे हमारा फोन भी सेफ रहे?
और मेम्ब्रेन तो देखिए एक आपको, अल्टरनेटिव है कि स्क्रीन स्क्रैचेस वगैरह से बचाएगा। जी सर, तो आपको बताना चाहूंगा जो बाय डिफॉल्ट आपको दी गई होती है टेम्पर्ड ग्लास, जी और किस ओरिजिनल का यूज कर सकते हैं, सर्विस सेंटर पे अवेलेबल होता है। चीज का? सर्विस सेंटर पे भी टेम्पर्ड होता है सर, अच्छा, सर्विस सेंटर पे। टेम्पर्ड मतलब इसका आता है ओरिजिनल टेम्पर्ड? जी, सर अच्छा, टेम्पर्ड ग्लास सर्विस सेंटर पे अवेलेबल तो वो होता है, क्या यूवी सर्विस ग्लू पे सेंटर नहीं पे होता है? नहीं, नॉर्मल होता है जो आपको प्रोवाइड की गई है, ऑलरेडी अप्लाइड होता है, सेम होता है। ठीक, नहीं तो जैसे मेरा जो अप्लाई मैसेज जब बॉक्स अनबॉक्स किया था तो जो मेम्ब्रेन अप्लाई है इस पे, उसमें हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल आ गए हैं, तो वो साइड से हल्की हल्की निकल रही है, तो अब उस केस में क्या होगा? कोई इशू नहीं, आप नजदीकी सर्विस सेंटर जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, अवेलेबल होने पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी सर्विस तो सेंटर उसका कोई पे। चार्ज रहेगा? नो नो, डोंट वरी, उसके कोई चार्ज पे नहीं करना होता है, फ्री ऑफ अच्छा, कॉस्ट होता है। तो मेम्ब्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाती है हमारी? जी सर, और वीगो में सर्विस डे होता है जो हर महीने के दूसरे सप्ताह के हाँ शनिवार और रविवार को होती है। अगर आप सर्विस डे के दिन जाते हैं तो हाँ पर्सन में जैसे आपका कुछ जैसे प्रकार के लेबर कॉस्ट पे नहीं करना होता, अगर फोन कोई रिपेयर कराने के लिए उस कस्टमर चाहता है मुझे खाली तो इसका ऐसा। बताइए, वहां पर मुझे टेम्पर्ड दिया जाएगा या मुझे मेम्ब्रेन प्रोवाइड करी जाएगी इसके लिए? जी, टेम्पर्ड अवेलेबल प्रोवाइड किया जाता है, टेम्पर्ड एंड टेम्पर्ड होता है कि आपको ग्लास बेस पे होता है, और जो आपके में हम लोग को कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया वो है मेम्ब्रेन? नहीं, टेम्पर्ड जो अवेलेबल होता है प्रोवाइड की जाती है इसके। ठीक है सर, तो उसका चार्ज लिया जाएगा हमसे कुछ? नो नो, मेरे को चार्ज पे नहीं करना होता है, सैनिटाइजेशन अच्छा क्लीनेस चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अच्छा एसेसरीज के परचेजिंग पर 10% का डिस्काउंट होती है। अच्छा तो मैं अभी जैसे जी मेम्ब्रेन सर, लगी हुई है उसको हटवा करके वहां पर टेम्पर्ड लगवा सकता हूँ जाकर के कंपनी से? पहले आप बात कर लेंगे, अगर सर्विस सेंटर पे अवेलेबल होगा देन विजिट करेंगे। अच्छा ठीक है, तो मतलब यूवी ग्लास को हम लोग प्रिफर ना करें मेरे हिसाब से, और लगवाएं तो जहां बहुत ही अच्छे से जो लगा पाते हो उनसे लगवाएं, ताकि जी, यस सर, क्योंकि अगर लिक्विड डैमेज गया तो वारंटी हमारी जो है लॉस हो जाएगी। जी चलिए, सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वेलकम सर। और कोई जानकारी? बस बस, थैंक यू सर। ओके सर, मैं तो सूचना देना चाहूँगा, कॉल करके आपको जानने के लिए एसएमएस प्राप्त होगा। जी इसके सर्वे थैंक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्राइस को जीत सकते हैं, यू, असंतुष्ट के लिए 5, असंतुष्ट के लिए का चुनाव करें। थैंक यू थैंक यू। कस्टमर केयर में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ। थैंक यू। तो जैसा कि आपने वीवो कस्टमर केयर और मेरी बातचीत देखी होगी, मैंने भी उनसे यही चीज़ पूछा था कि भाई मैंने जो फ़ोन परचेज़ किया है 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वाला, तो इसमें मैं यूवी ग्लास लगाऊँ? तो उन्होंने बोला लगवा तो आप सकते हैं, बट अगर इसमें गलती से भी ग्लू चला गया है, जो कि मतलब ग्लू की बात कर लें स्पीकर में, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पर ग्लू जब वो डालते हैं उसके बाद रेज दिखाते हैं, तो फिर वारंटी आपकी पूरी टोटल लॉस हो जाएगी। ये बात तो आप समझ लीजिए कि वारंटी में नहीं रहेगा कोई भी लिक्विड डैमेज, जैसे कि उन्होंने बताया लिक्विड डैमेज वहाँ पर नहीं होता है। यहाँ मैं वीवो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी जितने भी कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वाले फ़ोन आ रहे हैं, आप किसी में भी, आपके पास वीवो का हो, सैमसंग हो, सोनी हो, किसी कंपनी का फ़ोन हो, ठीक है, अगर 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले या कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है तो उसमें यूवी टेम्पर्ड तभी लगवाएं अपने रिस्क पर। रिस्क का मतलब क्या, या तो अच्छी जगह से लगवाएं, ठीक है, और उसको हर 3-4 महीने में चेंज करते रहें, ताकि क्या है कि जो ग्लू है बहुत ज़्यादा स्टिकी होकर के चिपक ना जाए, और इजीली जब आप उसे निकालना चाहें तो वो इजीली निकल जाए। और वो एक तो चीज़ ये हो गई, ठीक है, और जैसे और दूसरी चीज़ क्या, अगर हल्का सा भी चला जाएगा यहाँ पर माइक वगैरह में जैसे देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी फिर क्या है आपकी वारंटी लॉस हो जाएगी। सेकंड आता है, मैं जो प्रीफर करूंगा आप लोगों को कंक्लूजन बता देता हूँ कि यूवी टेम्पर्ड मेरे हिसाब से लगवाएं तो एक अच्छी शॉप से लगवाएं। बहुत सारे होते हैं क्या है कि 200-250 रुपये में सस्ते में देख लेते हैं, ठीक है, और वहाँ जा करके लगवा लेते हैं, और कहीं पर 350-400 बताता है। आप ये देखिए कि कौन कितने अच्छे परफेक्ट तरीके से उसको कर रहा है, ठीक है, अगर आप कर रहा है, मैं किसी को ख़राब नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ भाई। अल्टरनेटिव तो यही है कि अगर मान लीजिए फ़ोन को डैमेज होने से बचाना है तो कोई ना कोई स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर तो लगाना है। अब स्क्रीन गार्ड क्या होता है, एक पतली सी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है जो कि इस फ़ोन में लगी है, बट ये फ़ोन को नहीं बचा सकती, उसके लिए या तो आप कवर यूज़ करिए। और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा आज के टाइम पे, बंदा या बंदी की बात कर लेते हैं, चाहे वो एप्पल का भी फ़ोन रख रहा होगा, बिना कवर के शायद ही 10% मैं मान लेता हूँ बिना कवर के लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, नहीं तो 90% लोग जो है जब भी फ़ोन परचेज़ करते हैं तो वो बैक गार्ड से ले करके जो इसका कवर है, बैक कवर है, लेमिनेशन है, जो भी कह लें टेम्पर्ड है, सारी चीज़ें जो है लगवा करके ही यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि आप लोग क्या करें, अच्छी जगह से अगर लगवा सकते हैं यूवी टेम्पर्ड जो इसका प्रोफेशनल प्रोफेशनल तरीके से लगाना जानता हो, जिससे ग्लू वगैरह ना जाए, तब तो लगवाएं, और 3-4 महीने में चेंज करते रहें।
और दूसरी राय ये है कि आप मेम्ब्रेन लगवाएं। सबसे बेस्ट ये है कि थोड़ा सा मेम्ब्रेन में ये होता है कि डैमेज तो नहीं बचाएगा, बट उसके बाद आप एक कवर एक ऐसा यूज़ करें जो कि उसको डैमेज होने से बचा सके। और अगर मेम्ब्रेन के अलावा अगर आपको फुल ग्लू वाला टेम्पर्ड मिल जाता है, जिसको आप पील करके से नॉर्मल टेम्पर्ड लगाते थे फ्लैट स्क्रीन में, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा ऑलरेडी ग्लू रहता है, तो इधर उधर जाने का लिक्विड फैलने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, आपने उसको सिंपली रखा और प्रेस किया यूँ और सारे बबल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक चले आते हैं और वो ग्लू होकर के चिपक जाता है और फिर वो इजिली निकल भी जाता है। तो जब मार्केट में, मैं यही कह रहा हूँ कि फुल ग्लू वाला अगर टेम्पर्ड अवेलेबल हो तो वो लगवा लीजिए, या मेम्ब्रेन। ईवी को मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, कि भाई मन है आपका तो वो लगवाइए अपने रिस्क पर, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि ईवी को लगवाना चाहिए, क्योंकि लगवाने को मैं भी सोच रहा था, मैंने कई वीडियोज़ देखी और मैंने कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से जब बात करी तो उन कंक्लूजन में ये निकला कि सर लिक्विड डैमेज हो गया तो वारंटी आपकी आउट ऑफ हो जाएगी और फिर आपको जो भी मतलब उसमें डैमेज हुआ होगा उसके आपके चार्जेस जो है देने पड़ेंगे। एक और चीज़ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ कि अभी मैंने क्या हुआ, दोबारा बातचीत भी की थी उसकी रिकॉर्डिंग, फिलहाल मैंने नहीं करी थी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जैसे जो कवर देख रहे हैं ना और ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये आप हर 3 महीने में चेंज भी करा सकते हैं। जी हाँ, मैंने ऑर्डर पे लगवा दिया अपना कि मेरी मेम्ब्रेन थोड़ी साइड में डस्ट आ गई थी, तो मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बोला ठीक है, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, वारंटी में हो या ना हो। उन्होंने ये भी बोला था कि हो जाएगा, यहाँ फिलहाल मेरे एरिया में जो सर्विस सेंटर बहुत ही अच्छा है, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि आप इसको हर 3 महीने में एक बार कवर बदल सकते हैं और ये जो मेम्ब्रेन है वो भी चेंज करा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग बताइएगा कि आपको ये पता थी। और वीडियो कैसी लगी लास्ट, अगर आपने देख लिया तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है, नए आ रहे हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, और बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।